हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास और आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज किंगडम में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपनी कार को हम रोक सकते हैं जब उसके ब्रेक फेल हो जाएं, जब आपकी कार चल रही हो 80 पर या 100 पर और अचानक आपके ब्रेक फेल हो जाएं। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि कभी आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन यदि आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से हम चुटकियों में अपनी कार को रोक सकते हैं सिर्फ 8 से 10 सेकंड में जब आपके पास समय बहुत कम हो। लेट्स सी फ्रेंड्स, इमरजेंसी में कार को हम दो तरीके से रोक सकते हैं। पहला है हमारा हैंड ब्रेकिंग सिस्टम, दूसरा है हमारा इंजन ब्रेकिंग सिस्टम। हैंड ब्रेकिंग सिस्टम में हम हैंड ब्रेक को सबसे पहले हम आधा अप्लाई करते हैं, उसके बाद गियर को शिफ्ट करने के बाद पूरा अप्लाई करते हैं। लेकिन दूसरे सिस्टम में हम इंजन को रेजिस्टेंस पैदा कर हायर गियर से लोअर गियर में लाने के बाद रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और कार को रोकते हैं। ये पूरा सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं, लेकिन यहां पर इससे पहले मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूं। कुछ लोगों का ये डाउट है कि हम चलती गाड़ी में यदि हम तेज स्पीड पर हैंड ब्रेक का अप्लाई करते हैं तो कार का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, क्योंकि कार इमीडिएटली सीज हो जाती है और हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए। मैं अब यहां मेंशन करना चाहता हूं, यदि आप अपने हैंड ब्रेक को ढंग से और स्किलफुली अप्लाई करते हैं तो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा और कार इमीडिएटली वहीं स्टॉप हो जाएगी। कुछ लोगों का डाउट यह भी है कि यदि ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया है तो कार कैसे रोकी जा सकती है, वो भी हैंड ब्रेक के थ्रू। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि हैंड ब्रेक का जो मैकेनिज्म है वो आपके ब्रेकिंग सिस्टम से, नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है। यदि आपका नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है तब भी आपका हैंड ब्रेक काम करेगा, क्योंकि यह एक मैकेनिज्म एक तार के थ्रू पूरे पीछे वाले व्हील से कनेक्ट होता है। आइए लाइव डेमो के थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम अपनी कार को 80 से 0 की स्पीड पे ला सकते हैं, वो भी 8 से 10 सेकंड। लेट्स सी। ये हमारा हैंड ब्रेक है। जनरली लोग ये मानते हैं कि अगर हम अचानक हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी स्लिप हो सकती है, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। ये हैंड ब्रेक को आप याद रखें, यहाँ पर कुछ भी चीज दोनों तरफ यहाँ ना पड़ी हो। लोग अक्सर यहाँ बॉटल्स रख देते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ रख देते हैं, यूटिलिटी कोई भी चीज़ यहाँ पर रख देते हैं, और कभी कभी हो सकता है लास्ट मोमेंट पर या इसके ऊपर कुछ बैग रख देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल ना हो। पर्टिकुलर आप ध्यान रखें ये एरिया बिल्कुल अनकवर्ड हो, ताकि जब भी आपको इमरजेंसी हो तो आप इमिडिएटली आप इस ब्रेक को अप्लाई कर सकें और आप इसको यूज़ कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि यदि हमारे ब्रेक्स फेल हो जाते हैं 80 की स्पीड पर तो किस तरीके से हम कार को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपके ब्रेक फेल हो तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हम पैनिक ना हो और एक बार इमीडिएटली 1 से 2 सेकंड में इमीडिएटली ब्रेक पेडल पर पाँव मारकर देखें। कभी कभी ब्रेक्स इस तरीके से आ जाते हैं। यदि 1 या 2 सेकंड में ब्रेक पेडल पर पाँव मारने से ब्रेक नहीं आते हैं तो इमीडिएटली आप एक काम करें, सपोज करें आपकी कार फोर्थ गियर में चल रही है, आप जैसा देख रहे हैं फोर्थ गियर चल रहा है और आपको कार को रोकनी है तब जब आपके ब्रेक्स नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दो तरह की ब्रेकिंग यहां पर है, इंजन ब्रेकिंग और हैंड ब्रेक ब्रेकिंग। सबसे पहले हम इंजन ब्रेकिंग का यूज करते हुए आप देखिए किस तरीके से इसको कार को रोकते हैं। फोर्थ गियर में चलते हुए कार को आप सबसे पहले आप अपने हैंड ब्रेक को आधा खींचें इस तरीके से। इससे नेचुरली इस पे ब्रेक्स लगेंगे और कार की स्पीड काफी हद तक कम होगी। अब इसे हम इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए थर्ड गियर में लाएंगे और क्लच को दबाते हुए वापस से सेकंड गियर में लेंगे। सेकंड गियर में लेने के बाद जब स्पीड काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा है और गियर हमने बहुत छोटा सेकंड गियर में कार को ले ली है, तो इंजन इस स्पीड को रेजिस्ट करेगा और स्पीड काफी हद तक कम हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में हम अपने हैंड ब्रेक को पूरा खींच देते हैं और आप पाएंगे कि आपकी कार इमिडिएटली सेफली वहीं के वहीं रुक गई है, वो भी सिर्फ 8 सेकंड में। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इस कार को 80 की स्पीड पर लेके जा रहा हूं और आपको रोक के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसे इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 80 की स्पीड पर आ गए हैं। अब यदि हमारे ब्रेक फेल हो जाते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप, हमें अपना हैंड ब्रेक हाफ अप्लाई करना है। यहाँ मैं अपने हैंड ब्रेक को आधा लगाता हूँ और इमिडिएटली थर्ड गियर सेकंड गियर डालने के बाद थोड़ा सा जर्क लगेगा, गाड़ी स्लो हो जाएगी और अब इस स्पीड पे मैं इसे यहाँ पर कार को रोक देता हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि सिर्फ 8 सेकंड में हमारी कार अपनी की जगह पर आकर रुक गई सेफली। आई होप आपको इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन इन केस यदि आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी आप कभी खाली समय में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि जब इमरजेंसी हो तो आपको परेशान ना होना पड़े।
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी रोचक वीडियोज के अपडेट मैसेज के रूप में मिलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।